हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है द प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिस्टम डिज़ाइन क्या है, उसके स्ट्रेटेजीज और प्रोसेस किस तरह यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 6 टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज। थर्ड इज़ फंक्शनल डीकम्पोजिशन, हिप्पो एंड आईपीओ चार्ट, मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट कंसिडरेशन। ओके, ये 6 टाइप्स हम आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सिस्टम डिज़ाइन। तो व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन, तो उसमें आपको क्या करना है, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग। फर्स्ट इज़ लॉजिकल डिज़ाइन एंड सेकेंड इज़ फिज़िकल डिज़ाइन। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा लॉजिकल डिज़ाइन। व्हाट मीनिंग ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन, द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ सिस्टम पर्टेन टू द अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फ्लो, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। लॉजिकल डिज़ाइन मीन्स क्या, कि यहाँ पे जो डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है फ्लो में काम करना चाहिए, बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। आप कुछ इनपुट कर रहे हो सिस्टम में और उसका जो आउटपुट आ रहा है फ्लो के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल डिज़ाइन। तो उसमें 3 टाइप्स है, लाइक इनपुट और आउटपुट, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बीच में प्रोसेस, और उसमें आएगा इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ठीक है, तो लॉजिकल डिज़ाइन में हम 3 टाइप्स ऐड कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट, सेकेंड इज़ कंट्रोल एंड थर्ड इज़ इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो ये है हमारा लॉजिकल डिज़ाइन का डेफिनेशंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा है फिजिकल डिज़ाइन। फर्स्ट उसमें स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट मीडिया, यहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट है। सेकेंड डिज़ाइन द डेटाबेस, आपको डेटाबेस की डिज़ाइन क्रिएट करनी है, और स्पेसिफिक बैकअप प्रोसीजर, उसका बैकअप आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, कभी भी एरर या बग्स आ सकती है डेटाबेस में, तो उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। फिर डिज़ाइन फिजिकल इंफॉर्मेशन फ्लो थॉट द सिस्टम एंड फिजिकल डिज़ाइन वर्क थॉट, मीन्स यहाँ पे क्या है कि डिज़ाइनिंग आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम की, वो फ्लो के हिसाब से आपको यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। फिर डिवाइस अ स्टेज्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान टू स्पेसिफिक एनी न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यहाँ पे स्पेसिफाई आपको करना है इम्प्लीमेंटेशन प्लान में। फिर है यहाँ पे फिफ्थ, अपडेट बेनिफिट्स, कॉस्ट, कन्वर्जन डेट एंड सिस्टम कंस्ट्रेंट। यहाँ पे बेनिफिट्स, अपडेट्स, यहाँ पे कॉस्ट, कन्वर्जन डेट, सिस्टम कंस्ट्रेंट, यहाँ पे आपको अपडेट करना है। ठीक है, कॉस्ट, बेनिफिट्स, कन्वर्जन डेट, उसकी डेट, सिस्टम कंस्ट्रेंट, ये सब आपको यहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन में अपडेट करना ज़रूरी है। तो ये है हमारा फिजिकल डिज़ाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज। उसमें क्या आएगा, फर्स्ट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ एनालिसिस एंड प्रोग्राम्स, प्रोग्रामर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, वो फिर एनालिसिस हो या फिर प्रोग्रामर हो, उसको उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है। इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन एंड सब्सिक्यूट्स मेंटेनेंस, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी उसको इम्प्रूव करना है, लाइक रिपोर्ट्स और सब जो चीज़ है वो उसको यहाँ पे इम्प्रूव करनी है डिज़ाइनिंग में। कट डाउन द रेसिडिविटी ऑन द कॉस्ट, ओवर रन्स एंड डिले, जो भी है यहाँ पे कॉस्ट, उसके ओवर रन्स या फिर डिले आपको यहाँ पे कट डाउन करने हैं। इम्प्रूव अ कम्युनिकेशन अलोंग द यूज़र, एनालिसिस, डिज़ाइनर एंड प्रोग्रामर, यहाँ पे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, वो फिर यूज़र हो या फिर एनालिसिस हो या फिर डिज़ाइनर हो या फिर प्रोग्रामर हो। फिर है स्टैंडर्डाइज द अप्रोच द एनालिसिस एंड डिज़ाइन, यहाँ पे एनालिसिस एंड डिज़ाइन अप्रोच करना है, और सिंप्लीफाइड डिज़ाइन बाय द सेगमेंटेशन। तो डिज़ाइन मेथोलॉजीज में यहाँ पे आपको 6 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 नोट्स जो आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे किस तरह यहाँ पे डिज़ाइन मेथोलॉजीज यहाँ पे यूज़ हो रही है। फंक्शनल डीकम्पोजिशंस, तो व्हाट मीनिंग ऑफ फंक्शनल डीकम्पोजिशंस, द डॉक्यूमेंटेशन टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज द हायरार्किकल और स्ट्रक्चर चार्ट्स, इज द ग्राफिकल टूल्स फॉर रिप्रेजेंट द हायरार्किकल एंड इज द 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट से थ्रू हमको पता चल जाता है कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे वर्क हो रहा है और किस तरह यहाँ पे मॉड्यूल हमारा वर्क हो। तो लाइक फर्स्ट
जो है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। जो रेक्टेंगल में हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। सेकेंड है कनेक्शन, तो एक मॉड्यूल में दूसरा मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल, तो दोनों एक मॉड्यूल ए के ऊपर डिपेंड है, उसको बोलते हैं हम कनेक्शन। तो ए का कनेक्शन किसके साथ हुआ? बी और सी के साथ, तो ये है कनेक्शन। और जो थर्ड है वो है कपलिंग, ए और बी के साथ तो कनेक्शन तो है पर दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे ओ पी और क्यू ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि यहाँ पे आंसर रिक्वेस्ट दे रहा है, यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, इस तरह यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट इज मॉड्यूल, सेकेंड इज कनेक्शन एंड थर्ड इज कपलिंग। तो इस तरह आपको ग्राफिकल टूल्स रिप्रेजेंटेशन में हायरार्किकल आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं फंक्शन डिकम्पोजिशन में। तो आपको कोई पूछे कि व्हाट मीनिंग ऑफ फंक्शनल डिकम्पोजिशन, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टूल्स फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन इन अ हायरार्किकल और स्ट्रक्चर चार्ट। हायरार्किकल और स्ट्रक्चर चार्ट में जो डिजाइनिंग हम करते हैं उसको बोलते हैं हम फंक्शनल डिकम्पोजिशन। और उसके टाइप्स आपको याद रखने, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट्स याद रखने, देर आर थ्री एलिमेंट्स। फर्स्ट इज मॉड्यूल, सेकेंड इज कलेक्शन एंड थर्ड वन इज कपलिंग। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन फंक्शन डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिप्पो एंड आईपीओ। व्हाट मीनिंग ऑफ हिप्पो एंड आईपीओ? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन सिस्टम डिजाइन, फर्स्ट इज अ हिप्पो एंड सेकेंड इज अ आईपीओ। तो व्हाट मीनिंग ऑफ हिप्पो? तो आपको हिप्पो का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल फॉर्म याद रखना है, बिकॉज वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो हिप्पो का फुल फॉर्म है हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये है हमारा फुल फॉर्म ऑफ हिप्पो। देख लो फिर से हायरार्किकल, उसका स्पेलिंग याद रखना है बिकॉज एमसीक्यू में वही सेम टू सेम नाम होगा बट स्पेलिंग डिफरेंस होगा। हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट इज अ फॉर्म ड्रिवन टेक्निक इन द स्टैंडर्ड फॉर्म आर यूज टू डॉक्यूमेंट द इंफॉर्मेशन। आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन टेक्निकल वाइज स्टैंडर्ड वाइज फॉर्म में आपको क्रिएट करना हो तो उसके लिए आपको हिप्पो चार्ट यूज करना है, जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट्स। उसकी थियरी है फर्स्ट डेवलप बाय द आईबीएम। आईबीएम कंपनी ने फर्स्ट ऑफ ऑल हिप्पो चार्ट डेवलप किया था। सेकेंड, टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर वाइज किस तरह सिस्टम को डिफाइन करना है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हिप्पो चार्ट यहाँ पे यूज़ किया था सिस्टम डिज़ाइन में। थर्ड वन इज टू प्रोवाइड इजीली अंडरस्टेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम के पार्ट्स है जो उसको डिस्क्रिप्शन में इजीली अंडरस्टैंड आपको करना हो उसके लिए आपको हिप्पो चार्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, हिप्पो चार्ट कंजिस्ट क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हायरार्किकल चार्ट, वो हायरार्किकल में यहाँ पे चार्ट क्रिएट करता है। सेकेंड आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट। आईपीओ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट यहाँ पे क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये है टू टाइप्स कंजिस्ट कर सकते हैं हिपो। अब किस तरह ये हिपो चार्ट और आईपीओ चार्ट वर्क करता है उसका ड्रो हम देख लेते हैं। हिपो डायग्राम तो किस तरह ये वर्क करता है देखो। इवेंटरी सिस्टम 1.0, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक सिस्टम है इवेंटरी, तो उसमें थ्री टाइप्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। लाइक फर्स्ट ट्रांजेक्शन, उसको बोलते हैं हम 2.0। फिर उसमें से हम क्रिएट करते हैं इवेंटरी अपडेट, उसको अपडेट करना है तो 3.0। इवेंटरी रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट चाहिए तो उसको हम बोलते हैं 4.0। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन में देर आर टू टाइप्स, एडी स्टॉक एडी स्टॉक, तो उसमें 2.1 एंड 2.2। उसी तरह इवेंटरी अपडेट में आप इश्यूज अपडेट क्रिएट कर सकते हो, यार रिसिप्ट भी यहाँ पे इवेंटरी की क्रिएट कर सकते हो, कोई इश्यू हो तो उसको अपडेट करना है, और जो इश्यू नहीं है तो उसको हम यहाँ पे रिसिप्ट देंगे, तो 3.1 एंड 3.2। उसी तरह सेम टू सेम इवेंटरी रिपोर्ट में क्या आएगा, उसका लेजर आपको क्रिएट करना है और उसका स्टॉक लिस्ट क्रिएट करना है, मीन्स 4.1 एंड 4.2। तो ये हमारा हिप्पो डायग्राम। तो इससे क्या होता है कि आपको इजीली पता चलता है कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे वर्क हो रहा है और किस तरह हमको सिस्टम को वर्क करना है। तो ये हिप्पो डायग्राम से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्क कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हिप्पो डायग्राम यूज़ हो रहा था सिस्टम डिज़ाइन में बाय द क्रिएट बाय द आईबीएम। ठीक है, अब सेकेंड था आईपीओ, फुल फॉर्म क्या था? इनपुट प्रोसेस आउटपुट ओवरव्यू डायग्राम। तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल 1.0, यहाँ पे इनपुट है,
फिर यहाँ पे प्रोसेस है और आउटपुट है। तो सिंपल से एक आपको एग्जांपल दूँ, आप कोई कुछ भी चीज़ इनपुट कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट। लाइक किस तरह कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे कुछ प्रोग्राम इनपुट कर रहा हूँ तो वो इनपुट हुआ। अब प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम प्रोसेसर में रन करने के लिए जा रहा है। अब हमने जैसा कोड लिखा है वही हिसाब से हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम आउटपुट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, स्टॉक इश्यूज रिकॉर्ड, स्टॉक रिसीप रिकॉर्ड, ओल्ड इन्वेंटरी फाइल्स, ये सब यहाँ पे इनपुट में है। तो यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, फिर वो चीज़ प्रोसेस में जा रही है। तो यहाँ पे देखो इनपुट एडी स्टॉक इश्यू स्टॉक रिसीप ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द ट्रांजेक्शन फाइल प्रोसेस इश्यूज प्रोसेस रिसीप ट्रांजेक्शन जनरेट इश्यू रिपोर्ट्स जनरेट स्टॉक लिस्ट जनरेट लेजर, ये सब चीज़ जो आगे वाले में हमने देखा हिप्पो में, वही सेम चीज़ अब आईपीओ में है, पर थोड़ा डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? अब वैसी तरह हम यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, न्यू इन्वेंटरी फाइल मिलेगी हमको, रिजेक्ट ट्रांजेक्शन है जो रिजेक्ट है वो रिजेक्शन हो जाएगा, कोई इश्यू है तो इश्यू रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो स्टॉक लिस्ट ये सब चीज़ यहाँ पे आउटपुट में आपको मिल जाएगी। तो जिस तरह इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट हो रहा है, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह पे यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा आईपीओ इनपुट आउटपुट प्रोसेस ओवरव्यू डिजाइन, बट ये है मॉड्यूल 1.0। ठीक है, अब आ रहा है उसका ही सब मॉड्यूल 2.1 जो डिटेल्स में है। तो देखो डिटेल्स में क्या है, इनपुट स्टॉक ट्रांजेक्शन इश्यूज रिकॉर्ड्स और इन्वेंटरी मास्टर। तो यहाँ पे देखो स्टॉक इश्यूज है और यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर है इनपुट में। अब वही चीज़ प्रोसेस में जा रही है, तो उसमें देखो इनपुट सोर्स रिकॉर्ड, उसको वेरीफाई सोर्स रिकॉर्ड करेगा, एरर डिस्प्ले मैसेज आएगा इफ़ एरर आफ्टर द सेकंड इनपुट, राइट द इनवैलिड इश्यूज फाइल, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस में होगी। अब देखो इनपुट जैसा कर रहे हैं प्रोसेस भी हो रहे, उसी हिसाब से हमको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट में देखो वैलिड ट्रांजेक्शन फाइल, यस आपके ट्रांजेक्शन फाइल वैलिड है। जो आपके पास कोई एरर है तो आउटपुट में एरर मैसेज आएगा, कोई आपकी फाइल ट्रांजेक्शन फाइल कोई इनवैलिड है तो इनवैलिड ट्रांजेक्शन फाइल दिखेंगी, आपका कोई ट्रांजेक्शन भी इनवैलिड है राइटिंग में तो वो इनवैलिड ट्रांजेक्शन में भी दिखेगा। तो ये सब चीज़ आपको आउटपुट में दिखेगी। तो किस तरह आपको इनपुट करना है, फिर प्रोसेस हो रही है, फिर उसका ही आउटपुट मिल रहा है, ये सब चीज़ हमको बोलते हैं आईपीओ डिटेल्स, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट का अलग से कोई डायग्राम इस तरह होता है और हमारा जो हिप्पो डायग्राम है वो इस तरह होता है। तो दोनों किस तरह वर्कआउट हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। देख लो फिर से किस तरह यहाँ पे सब मॉड्यूल 2.1 है। अब मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ है जो फॉलोइंग स्टेप, फर्स्ट डेटाबेस डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, सिस्टम एंड प्रोग्राम टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिस्टम इंटरफेस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो दिस सम फॉलोइंग स्टेप्स टू मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो ये फोर्थ स्टेप आपको याद रखने हैं क्या क्या हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब है हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक्टिविटीज़। देखो अब किस तरह वर्कआउट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलोकेशन ऑफ फंक्शन। अब उसमें क्या है कि भाई डेटाबेस डिज़ाइन करना हो आपको, प्रोग्राम डिज़ाइन करना हो, सिस्टम टेस्टिंग करना हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो डिज़ाइन ड्रॉ किया है। डेटाबेस डिज़ाइन और प्रोग्राम डिज़ाइन दोनों को मिक्सअप करके हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करके हम डिज़ाइन फेस वर्क आउट कर सकते हैं, फिर उसमें से हम टू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मीन्स उसमें से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी डेटाबेस डिज़ाइन और प्रोग्राम डिज़ाइन में। अब सिस्टम टेस्ट रिक्वायरमेंट डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम टेस्ट रिक्वायरमेंट डेफिनेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट दोनों साथ में वर्कआउट करके हमको सिस्टम इंटरफेस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिलता है।
अब देखो, प्रोग्राम टेस्ट रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डायरेक्टली डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन भी कनेक्शन हो सकता है, और सिस्टम इंटरफेस भी वो डायरेक्टली डेटा डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन में कनेक्ट हो सकता है। मींस सिंपल एंड शॉर्ट जो हमने यहाँ पे देखा, डेटाबेस डिज़ाइन, प्रोग्राम डिज़ाइन, सिस्टम प्रोग्राम टेस्ट प्रिपरेशन एंड सिस्टम इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, फोर टाइप्स ऑफ मेजर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, वो सारे के सारे डायरेक्टली कनेक्टिविटी कहाँ पे हो रही है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में ही डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है कि किस तरह स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक्टिविटी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक्टिविटीज़। अब लास्ट जो हमारा है ऑडिट कंसिडेशंस, उसमें क्या है? तो फर्स्ट, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द एरर कंट्रोल पॉइंट। हमको यहाँ पे एरर कंट्रोल पॉइंट पे स्पेसिफाई लोकेशन मिल सकता है, किस तरह हमारा सिस्टम में कोई एरर है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कौन सा लोकेशन है स्पेसिफिक कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग देम द बेसिक ऑफ एरर फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, एरर फ्रीक्वेंसी, उसके कॉस्ट, टाइमिंग ऑफ एरर डिटेक्शन, ये सब चीज़ कर सकते हैं। और हैंडलिंग द एरर इमिजिएटली द रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट, यहाँ पे आप इमिजिएटली एरर को हैंडल भी कर सकते हो रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट के हिसाब से। तो ये है हमारा ऑडिट कंसिडरेशंस। तो इस तरह हम यहाँ पे ये टाइप्स आपको याद रखने, थोड़े थियरी है वो जो याद रखने हैं आपको, इस तरह आपको याद रखने हैं ऑडिट में। स्पेसिफिक लोकेशन, इवेलुएट देम द बेसिक ऑफ एरर फ्रीक्वेंसी, कॉस्ट, टाइमिंग एरर्स, हैंडलिंग द एरर इमिजिएटली एट द रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ हिपो, सेकेंड, फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ, एंड थर्ड वन इज राइट एलिमेंट्स ऑफ फंक्शनल डिकम्पोजिशंस। तो आपको यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो फंक्शनल है उसके एलिमेंट्स यहाँ पे आपको राइट करने हैं। तो ये थ्री क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में सबमिट करने हैं फॉर द अटेंडेंस।